आज 15 अक्टूबर 2021 दशहरे का शुभ दिन है और हमारी फिल्म टेक इट ईजी आज रिलीज हो रही है। टू स्टार्ट विद गुजरात में रिलीज है 60 स्क्रीन्स सौराष्ट्र में खासतौर पर, और उसके बाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद, अमरावती, और जैसे जैसे कोविड हमें अलाउ करेगा वैसे वैसे हम नंबर ऑफ स्क्रीन्स पैन इंडिया इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये फिल्म जो है उसको बनाने में, जैसे कि किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमारी भी टीम ने बहुत मेहनत की है, हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे साउंड वाले लोग, म्यूजिक और आर्ट डायरेक्टर और सभी एक्टर्स बच्चों ने खासतौर पर बहुत बेहतरीन काम किया है। और सोशली रिलेवेंट फिल्म है ये, पीयर प्रेशर पर फिल्म है, इस टॉपिक पर, इस सेंसिटिव टॉपिक पर बहुत कम फिल्म हिंदुस्तान में बनी है और हमें 4-स्टार रिव्यूज़ हैं। वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड रिस्पॉन्स सो फार, क्योंकि सुबह के कुछ शोज हो चुके हैं और जो ऑडियंस सिनेमा से निकल रहे हैं वो होंठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए हुए हैं, और इस वजह से हमें ये एक कॉन्फिडेंस और एक बूस्ट मिला है कि हम इसको आगे भी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया रिलीज करें। फिल्म में एंसेंबल कास्ट है, विक्रम गोखले जी, दीपान्विता शर्मा, जॉयसन गुप्ता, राजुची, ब्रिजेंद्र काला जी, वीरेंद्र सक्सेना साहब, सुलभार्या जी, तो एंसेंबल कास्ट है। फिल्म में म्यूजिक भी अच्छा हुआ है, सोनू निगम, शंकर महादेवन और जावेद अली, कीर्ति सागठिया, स्नेहा पांडे, इस तरह से दिग्गज सिंगर्स ने गाने गाए हैं। और हम आशा करते हैं कि जो हमारी पूरी टीम की मेहनत है, खासतौर पर सब्जेक्ट के जो टारगेटेड ऑडियंस हैं उन तक ये फिल्म सही ढंग से पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमें सराहें। मैं अपनी पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने लगभग हर मोमेंट पर फिल्म के दौरान मुझे सपोर्ट किया है, और तभी एक इस तरह की फिल्म बनाने में हम कामयाब हुए जो ऑडियंस के दिल को छू पा रही है। आजकल ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम इमोशंस को उस कदर महसूस नहीं कर पाते जैसे हम मोबाइल पर किसी को स्माइली भेजते हैं और स्माइल नहीं कर पा रहे होते। तो ये फिल्म वो है जो जिसको आप हृदय स्पर्शी कह सकते हैं, हार्ट टचिंग कह सकते हैं, जिसमें ऑडियंस को डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हैं वो अपने आप को, और ख़ासतौर पर माँ बाप के लिए है, टीचर्स के लिए है, एजुकेशन सिस्टम के लिए और बच्चों के लिए तो है ही, कि आजकल के माँ बाप सुपर ह्यूमन बनाने में लगे हैं इंस्टेड ऑफ गुड ह्यूमन, कि वो कराटे भी करे, म्यूजिक भी करे, डांस भी करे और 90% प्लस मार्क्स तो चाहिए चाहिए, इस तरह की ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने अधूरे सपने बच्चों पर थोप देते हैं और बच्चे जब उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते तो किस तरह से प्रेशर वो फील करते हैं। इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ हमेशा मिले हैं और 4-स्टार रिव्यूज़ हैं, तो हम होप कर रहे हैं कि ऑडियंस हमें सराहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके फिल्म को प्रोत्साहित करेंगे। लेट्स होप कि हम गुजरात के बाद आगे के स्टेट्स में पैन इंडिया फिल्म को रिलीज़ करें, और सरस्वती का आशीर्वाद रहे, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हो जाए। थैंक यू सो मच, हैप्पी दशहरा टू यू।